सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आज तीसरा दिन है, तो आज के दिन आप लोगों को अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे कौन सी गतिविधि करनी है और किस प्रकार से करनी है, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आज है बिहार दिवस, तो सबसे पहले आप लोगों को बिहार दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। आज आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर जो गतिविधि होने वाली है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 22 मार्च 2023 और हेडिंग दिया गया है बिहार दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र एवं उसके आसपास के जगहों की साफ सफाई। जैसा कि बिहार दिवस के अवसर पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके आसपास के जो भी जगह हैं वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी है। हालांकि आप आंगनबाड़ी सेविका हैं तो डेली आप आंगनबाड़ी केंद्र की साफ़ सफाई करती हैं, लेकिन आज के दिन आपको विशेष साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो अगला पॉइंट है यहाँ पर गृह भ्रमण, जैसे कि आप गृह भ्रमण करने जाएंगी तो आज के दिन जो 0 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको खान पान में क्या शामिल करना है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कि 0 से 3 साल के बच्चों के खान पान में श्री अन्न मिलेट को शामिल करने हेतु परामर्श देना है। गृह भ्रमण के दौरान जब आप जाएंगी तो 0 से लेकर 3 साल के बच्चे होंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट श्री अन्न मिलेट के जो महत्व है उसके बारे में बताना है। जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं उस अनाज में बहुत सारी पौष्टिक गुण पाए जाते हैं, जिसको बच्चों को या फिर बच्चों के अभिभावक को इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप अपने आहार में बच्चों को ये सब खिलाइए, तो इसके बारे में आप लोगों को खास तौर से आप लोगों को इसकी जानकारी देनी है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर हैंड वॉशिंग। जैसा कि हैंड वॉशिंग के बारे में आप सभी को खास उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ट्रेनिंग वगैरह में आप लोगों को सिखाया गया होगा किस प्रकार से बच्चों का हाथ वगैरह धुलवाना है। आप लोग समय समय पे हाथ वगैरह धुलवाते भी हैं, तो आज के दिन हाथों की साफ़ सफाई के बारे में खास आप लोगों को जानकारी देनी है। जो बच्चे हैं या जो अभिभावक हैं उनको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, हाथों की साफ़ सफाई रखनी है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथों की साफ़ सफाई ये उसको हमेशा करते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो वृद्धि निगरानी। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र पे 0 से 6 साल के सभी बच्चे हैं उनका वजन लंबाई लिया जाना है एवं सैम मैम बच्चों की पहचान एवं उचित देखभाल संबंधी परामर्श देना है। और जो अगर सैम मैम बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे दिखते हैं, यानी अति कुपोषित बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो पोषण ट्रैकर ऐप में हाइट वेट डालने के बाद दिखाता है, तो इस प्रकार के बच्चों के अभिभावक से आपको खास देखभाल करने का सलाह देना है कि ये जो बच्चे हैं वो अति कुपोषित हैं, इनके खान पान में जो पौष्टिक वाली चीज़ें हैं उसको खिलाना है ताकि जो बच्चा है वो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो इस प्रकार से जो जानकारी है वो माता पिता को देना है और आपको पोषण ट्रैकर ऐप पे एक्चुअल हाइट और वेट डालना है। ये नहीं कि आप बच्चों को नॉर्मल करने के लिए आप उनका हाइट वेट बढ़ा के डाल दें, ऐसा नहीं करना है, एक्चुअल हाइट वेट डालना है ताकि बच्चों का जो हेल्थ है उसका पता लगाया जा सके कि ये बच्चा किस कैटेगरी में है और इसका स्वास्थ्य कैसा है। इस प्रकार से आपको आज के दिन ये जो गतिविधि है वो करनी है। आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।